गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास 8 की संस्कृत का रिवीजन क्लास है। ये हमारा फर्स्ट रिवीजन क्लास है। इस रिवीजन क्लास में मैं आज चैप्टर 2 का रिवीजन कराऊंगी। और चैप्टर 2 जो है वो है हमारा सेवा परायणा भारतीय नारी। ये रिवीजन क्लास मेरा सिर्फ रिवीजन के ही तौर पे होगा, ना कि ये एक क्लास है जिसको हम लोग बहुत बड़े और लेंथी क्लास बना के पढ़ना है। सिर्फ ये 10 से 12 मिनट का ही ये क्लास होगा और इसमें जो है हम सिर्फ रिवीजन करेंगे। चैप्टर 1 जो है वो आपका यहाँ पे एक श्लोक है, ये जो मैंने आपको कराया था, मैंने बोला था कि आपके बुक में भी उसका अर्थ दिया हुआ है और मैंने लिख के भी आपको इसका अर्थ जो है बताया था, लेकिन आपके इस एग्ज़ाम में चैप्टर 1 ये नहीं आ रहा है, आपका चैप्टर 2 से आएगा। और चैप्टर 2 जो है वो है सेवा परायणा भारतीय नारी। एक भारत की नारी जो है, जो समर्पित नारी होती है, जो सेवा परायणा नारी होती है, वह कैसी होती है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। और इस पूरे चैप्टर में यही दिखाया गया है कि भावती जो है वह किस प्रकार से अपने घर के साथ साथ अपने जो पति हैं, अपने सास ससुर जो भी है उनके प्रति उसका लगाव कैसा है, उसके संबंध कैसे हैं और किस तरीके से अपने घर को भी अच्छे से संभालती है। और जहाँ उसकी राय की ज़रूरत होती है, जहाँ उसके विचारों की आवश्यकता होती है, वहाँ वो सटीक तरीके से किस तरह अपने विचारों को दे करके उनके कार्य में उनका हाथ बटाती है। तो ये इस चैप्टर के थ्रू हम लोग आज रिविज़न में एक बार फिर से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें एक बार और रिवीजन करते हैं। पूरा आशीत कश्चित् वाचस्पति मिश्र नामधेय विद्वान बाल्यकाले एव स्वविवाहिता, तस्य पत्नी आशीत भामती नामा, भामती विवाहोपरान्त पितु गृहे एव अवसत्, सा अतीव कार्य निपुणा बुद्धिमती च आसीत, नामा कुला आशन गुणा तस्याम वाचस्पति मिश्र स्वगृहे स्वमात्रा स वसते स्म, पुत्रस्य पालनं संरक्षणं च माता एव करोति स्म, अकस्मात् सा मृता। पूरे इस पैराग्राफ का यही मतलब है कि एक वाचस्पति, मतलब किसी समय पुरातन काल में एक वाचस्पति मिश्र नाम के विद्वान थे जिनकी शादी बाल्यकाल में हो गई थी और उनकी पत्नी का नाम जो था वह भामती था। भामती विवाह के उपरांत जो है, विवाह होने के बाद अपने पति के घर में रह रही थी। बचपन में जब शादियां हो जाया करती थी तो कुछ समय के लिए वो लोग अपने पति के घर में, पिता के घर में रहती थी और 3-4-5 साल के बाद जो है उनकी फिर से वापसी अपने ससुराल में हुआ करती थी, उनकी विदाई हुआ करती थी। तो वैसे ही भामती जो थी अपने पिता के ही घर रह रही थी और वह बहुत ही हर कार्यों में निपुण थी, बुद्धिमती थी और वो मतलब बहुत ही संस्कारिक थी। भामती यानी जिसकी पत्नी थी, यानी कि वाचस्पति मिश्र जो है अपने घर में अपने माता और पिता के साथ रहते थे, सॉरी स्व माता स्ववसते स्व अपने माता के साथ रहते थे और पुत्र से वाचस्पति मिश्र का पालन पोषण उनकी माता ही किया करती थी कि अचानक एक दिन उनकी माता का जो है वह निधन हो जाता है, वह मर जाती हैं। जब भामती को यह पता चलता है कि उनकी सास तो मर गई तो वह तुरंत झिझकते यानी तुरंत ही अपने पति के घर आ जाती हैं। वह बिना देर किए वह अपने पति के घर आ जाती हैं और गृह से सकलम भारत स्वकृत्य स्वपति सेवा नाम करतुम भारत कर रहे हैं कि, और उसके बाद वह उस घर का सारा काम करके सारी जो स्थितियां परिस्थितियां रहती हैं अपने ऊपर ले लेती हैं, सारा भार अपने ऊपर ले करके वहाँ का सारा काम जो है वह बखूबी करने लगती हैं। पितु गृहा दीन दानित अन्नादि भी किंचन कालम यापयती आसीत, पतिश्च तस्या वाचस्पति मिश्र तदनी वेदांत सूत्र पर टीकाकर तत्पर आसीत। उनके पति जो थे वह वेदांत टीका लिखा करते थे। तस्मात् भामती सर्व भावेन पत्यु सेवा, अपने वह पूरे भाव से अपने पति की सेवा करती है और भोजन पकाती है, घर साफ करती है, कपड़े धोती है, सारे काम घर के जो होते हैं वो सारे करती है और उसके साथ साथ उनके जो तर्क वितर्क होते हैं उस प्रश्नों के उत्तर भी वह सही और सटीक तरीके से देती है। एवं प्रकार सा भामती पत्यु सेवाया वर्षाणी आयापत, कह रहे 20 वर्ष बीत गए भामती को इसी तरीके से सेवा करते हुए
कि वाचस्पति मित्र एकदा अपुछत, वाचस्पति मित्र ने एक दिन उससे पूछा, ये तो किम नाम अस्ति, कि तुम्हारा क्या नाम है, तो का असी तो और तुम कौन हो, तो वो क्या उत्तर देती हैं, भामती उत्तर दत्तवती, भामती उत्तर देती हैं, अहम आर्य पुत्रस्य अनुगतमागना भार्या, मैं अपने पति की आज्ञा का पालन करने वाली पत्नी हूँ, मेरा नाम भामती है। वो तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो, तो कौन हो के जगह पे वो बताती हैं कि मैं अपने आर्य पुत्र यानी अपने पति की आज्ञा का पालन करने वाली पत्नी हूँ और मेरा नाम जो है वह भामती है। वाचस्पति मिश्र ताम ध्याने न पश्यत, उसको ध्यान से देखते हैं, ये मेव सा महिला या शंका या समाधान करोति, यह महिला तो मेरे शंका का पूरा समाधान ही कर दी। ताम स्वभाव भार्या ज्ञात्वा तो अतीव आनंदम अनुभूतवान, अपने भार्या को इस प्रकार ज्ञानवती देख करके वाचस्पति मिश्र जो है आनंद से भर जाते हैं, और आनंद निमग्न स प्रकोष्ठे बाहिर गत चंद्रिका या प्रकाशे स्वर टीका भामती नामना लिखत, और आनंद से उद्बोध हो करके भरे हुए हो करके वह कमरे से बाहर जाते हैं और चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके एक टीका लिखते हैं जिसका नाम वह लिखते हैं भामती। इयमेव सा भामती या वेदांतस्य टीका किंतु पूरा सा काचित पतिपरायणा भारतीय नारी आसीत, भामती यह एक टीका है लेकिन यह पूरी तरीके से पतिपरायणा नारी के ऊपर लिखा गया है। वाचस्पति मिश्र तस्या पति आसीत, वह यह टीका जो है भामती के ऊपर लिखे हैं जिसके पति वाचस्पति मिश्र खुद ही हैं। तस्य विषये इदमपि कथ्यते, तस्या विषये इदमपि कथ्यते यत् टीका काले सायं समये सा दीपक प्रज्वले तत्र उपस्थितवान् तस्माद् कारणात् भामती प्रकाशयुक्त, जिस प्रकार हम लोग शाम के समय दीपक प्रज्वलित करते हैं और उस दीपक के प्रकाश से पूरे जगह रोशनी हो जाता है, उसी प्रकार यह एक टीका है जिसके प्रकाश से पूरा जग जो है जगमगाता रहेगा। सा भामती इति नामना प्रसिद्ध, और यह टीका जो है वह भामती के ही नाम से प्रसिद्ध होगा। भामती टीका रूपेण तू सा अद्यापि जीवति, आज भी भामती नामक टीका जो है यह जीवित है। इयमेव सेवा इदं च तस्या फलम, यह उसकी सेवा का फल है। एतादृशी एव भारतीय नारी भवति, वह इस प्रकार की भारतीय नारी है। एतादृश आचरण भारतीय महिलाया अनुकरणीयम वर्तते, इस प्रकार के आचरण करने वाली वह भारतीय महिलाएं जो हैं वह अनुकरणीय हैं, वंदनीय हैं। मैंने इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ा करके आपको पूरा अर्थ अच्छे से फिर से समझा दिया वापस दोबारा। अब इस एक्सरसाइज में क्या है ये देख लें, क्योंकि चैप्टर के एक्सरसाइज तो आते हैं, सिर्फ श्लोक के एक्सरसाइज नहीं होते हैं। तो यहाँ ये वर्ड मीनिंग है, इसे आप लर्न कीजिएगा, उसके साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर जो आपको पीडीएफ के थ्रू भेजा गया है उसे भी पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर टू, संस्कृत में बताइए ये शब्दों का संस्कृत बताइए, ये भी आपको पीडीएफ के थ्रू भेजा गया है। इसके साथ ये निम्न शब्दों के जो है स्त्रीलिंग बनाइए, ये शब्द विद्वांस, गुणवत्ता, स्वामिन, बुद्धिमत, इसके स्त्रीलिंग शब्द दिए हैं, ये भी आपको पीडीएफ के थ्रू भेजा गया है, इसे भी आप लर्न कीजिएगा। और साथ ही साथ ये फिलिंग द ब्लैंक्स जो है इसको भी ध्यान दीजिएगा, इसको ज़रूर पढ़िएगा। और ये जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए, तो इनको इनका संस्कृत वाक्य आप जो है इसका अर्थ लिख करके या इसका संस्कृत वाक्य लिखिएगा, और ये जो है आपका अनुवाद है जो जो टिक लगा हुआ है। तो जो भी आपको पीडीएफ के थ्रू भेजा गया है, जो चीज़ें जो आपको पीडीएफ के थ्रू भेजी गई है, उन सारी चीज़ों पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और रिवीजन क्लास में जो आपको इम्पोर्टेंट बताया गया है, जैसे आपका ये फिर अनुवाद हुआ, फिर ये स्त्रीलिंग में चेंज करना, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसी के साथ हमारा ये रिवीजन क्लास यहीं पे समाप्त होता है, और नेक्स्ट रिवीजन क्लास में हम नए चैप्टर को लेकर के आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।